हे गाइस कैसे हो आप सब होप यू आर डूइंग ग्रेट तो गाइस टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न सम फूड ईटिंग हैबिट्स रिलेटेड वर्ड्स विद सेंटेंसेस एंड येस दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड न्यू फॉर यू तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखेगा ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके तो सबसे पहला वर्ड है टू निबल टू निबल का मतलब होता है टू ईट इन स्मॉल बिट्स ठीक है छोटे छोटे टुकड़ों में खाना कुतर कुतर के खाना बर्ड्स की तरह है ना चूहे कुतर कुतर के खाते हैं वैसे एग्जाम्पल सेंटेंस शी स्टार्टेड टू निबल हर बिस्किट शी स्टार्टेड टू निबल हर बिस्किट मतलब उसने अपने बिस्किट को क्या करना शुरू कर दिया कुतरना शुरू कर दिया छोटे छोटे पीसेज में खाने के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका ये एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है जैसे कि अ माउस हैज़ निबल्ड आर कंप्यूटर केबल अ माउस हैज़ निबल्ड आर कंप्यूटर केबल इसका मतलब है एक माउस ने हमारे कंप्यूटर की केबल को क्या कर दिया कुतर दिया जो कि ज़्यादातर घरों में ये प्रॉब्लम होती है और वो ख़राब कर देते हैं फिर हमारी वायर्स को नेक्स्ट है बोल्ट डाउन बोल्ट डाउन का मतलब होता है अपने खाने को ना बहुत जल्दी जल्दी खाना बहुत जल्दी जल्दी लाइक सूढ़ना खाना एग्जाम्पल डोंट बोल्ट डाउन योर फूड यू विल मेक योर सेल्फ इल डोंट बोल्ट डाउन योर फूड यू विल मेक योर सेल्फ इल अपना खाना ऐसे जल्दी जल जल्दी मत खाओ ख़ुद को बीमार कर लोगे एक और एग्जाम्पल सेंटेंस है इसका शी बोल्टेड डाउन हर लंच एज शी वॉज ऑलरेडी गेटिंग लेट फॉर द मीटिंग शी बोल्टेड डाउन हर लंच एज शी वॉज ऑलरेडी गेटिंग लेट फॉर द मीटिंग तो उसने अपना खाना जल्दी जल जल्दी खाया लंच अपना जल्दी जल जल्दी से खाया क्योंकि वो ऑलरेडी मीटिंग के लिए लेट हो रही थी आई होप आपको बोल्ट डाउन समझ आ गया है अब नेक्स्ट है टू मंच ये तो नाम से ही समझ आ रहा है टू मंच का मतलब क्या होता है अपने फूड को च्यू करना लाउडली ठीक है ना आवाज़ कर करके एग्जाम्पल सेंटेंस ही मंच पॉपकॉर्न थ्रू आउट द होल मीटिंग थ्रू आउट द होल मीटिंग इज नॉट अ गुड वर्ड टू यूज हर थ्रू आउट द होल फिल्म ओके ही मंच पॉपकॉर्न थ्रू आउट द होल फिल्म तो उसने पूरी फिल्म के दौरान क्या करता रहा वो पॉपकॉर्न खाता रहा और बस चबड़ चबट लाइक like, तेज तेज आवाज करके खाना नेक्स्ट है टू सेवियो टू सेव्य का मतलब होता है टू uh, लाइक like, उसके टेस्ट को ना फील करना ओके okay? इन्जॉय करना किसी भी खाने के टेस्ट को और जब हम ऐसे इंजॉय करते हैं ना तो हम धीरे धीरे खाते हैं हमारे अंदर ये होता है ख़त्म ना हो जाए ख़त्म ना हो जाए धीरे धीरे करके खाना धीरे धीरे करके खाना एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं इसका um, यू नीड टू सेव दिस वाइन टू गेट इट्स फुल फ्लेवर यू नीड टू सेव दिस वाइन टू गेट इट्स फुल फ्लेवर इसका मतलब है तुम्हें इस वाइन को कैसे एंजॉय uh, करके पीना पड़ेगा उसकी हर उसके मतलब स्मेल को फील करना पड़ेगा उसके टेस्ट को इंजॉय करना पड़ेगा तब उस तब उसका पूरा फ्लेवर तुम्हें समझ आएगा तो येस आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी ईटिंग हैबिट्स रिलेटेड वर्ड्स और सेंटेंसेस uh, के साथ और अब आपको करना क्या है सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं ट्राई करो कि आप कुछ न्यू सेंटेंसेस बना पाओ और डोंट फॉगेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो है अवेल्यूबल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग